कैकेयी को हमेशा रामायण में एक विलेन के रूप में दिखाया गया है जो अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगती है और भगवान राम को 14 साल के वनवास पर भेज देती है। पर क्या आपको पता है इस फैसले के पीछे एक पुराना श्राप और एक वचन भी था जो समय के साथ लोगों की यादों से मिटा दिया गया। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत से अधिक प्रेम किया, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल उनका यह कदम एक बड़ी दैवी योजना का हिस्सा था। महर्षि दुर्वासा के वरदान से लेकर देवताओं की योजना तक सब कुछ इसी लीला का एक हिस्सा था, जिसमें कैकेयी ने राम का वनवास इसलिए मांगा क्योंकि उन्हें मालूम था कि रावण का वध इसी वनवास के दौरान होगा। इसके अलावा शनि की दशा और नारद मुनि के श्राप का असर भी इन घटनाओं में दिखाई दिया। भगवान राम का वनवास उनकी अपनी इच्छा थी क्योंकि उन्हें इस धरती को पाप से मुक्त करना था। भगवान राम की लीला को समझना आसान नहीं है। इन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने रामायण और रामचरितमानस को पढ़ा और समझा हो। यह कहानी उस बड़े दृश्य का एक अंश है जो हमेशा हमारे सामने था, पर हमने कभी उस पर गौर नहीं किया। इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान प्राप्त किए थे। दरअसल राजा दशरथ से विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ। काफी सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को मदद के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थीं। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। कैकेयी के युद्ध भूमि में साहस से राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कहा, स्वामी इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मैं सामने से मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। दशरथ यह वचन देते वक्त बेहद दुख की अवस्था में थे, लेकिन वचनबद्ध होकर वे कुछ नहीं कर सके और अपने वादे को निभाना पड़ा। राम भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा, 10, 12 या 13 साल का क्यों नहीं? कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। श्रवण कुमार के पिता रातना ऋषि राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे, जिन्होंने कैकेयी को शास्त्र, वेद और पुराण की शिक्षा दी थी। वहीं ज्योतिष गणना के आधार पर कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा था क्योंकि दशरथ की मृत्यु के बाद अगर 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। एक वजह यह भी थी कि कैकेयी राजनीति से जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेता युग में उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। ठीक उसी तरह द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राज्यकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी थी। अब बात करते हैं कि आखिर कैकेयी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसा क्यों किया। जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकेयी जानती थी। वह यह भी जानती थी कि भगवान राम का जन्म रावण के वध के लिए हुआ था। यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो देवी सीता का अपहरण और रावण का वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बने, बल्कि विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शुद्ध इंद्रियों और अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी।
यह सब देवताओं की योजना का हिस्सा था। रामचरितमानस के इस दोहे में इसका स्पष्ट वर्णन है। विपति हमारी बिलो की बड़ी माथु करिय सोई आजू, रामू जाहि बन राजू तजी होई सकल सुर काजू। इसका अर्थ है, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखते हुए आज वही करो जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य छोड़कर वन में चले जाएं और देवताओं का कार्य पूरा हो सके। सबको पता है कि भगवान राम श्री हरि विष्णु के ही अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से कैकेयी की दासी मंथरा की मति में अपनी योजना डालवाई और उसकी सोच बदल दी। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती कराना चाहती थी। इसके चलते मंथरा ने कैकेयी को यह समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा और उनका पुत्र भरत महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए मंथरा ने कैकेयी को भरत को राजा बनाने के लिए हाथ करने की सलाह दी। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी थीं और मंथरा के इस सुझाव ने कैकेयी को राम के वनवास की मांग करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक श्राप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जागी। नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है और वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहन करना पड़ेगा और वानर की सहायता से ही आपका पुनः मिलन होगा। इस श्राप के कारण राम और सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। एक और कहानी के अनुसार इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी अधिक हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, कैकेयहुँ की मति हरि लीन्हा, यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा कारण भगवान श्री राम की अपनी इच्छा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई ही सोई जो राम रचि राखा। इसका मतलब है, भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम खुद अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, अहिल्या और शबरी का उद्धार करना था और धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसीलिए जन्म से पहले ही राम ये तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। तो दोस्तों, आपने देखा, कैकेयी का फैसला सिर्फ एक मां का स्वार्थ नहीं था, बल्कि ये राम को उनके दिव्य कर्तव्य तक पहुंचाने का एक जरूरी कदम था। 14 साल के वनवास के बिना क्या राम को उनका असली लक्ष्य कभी प्राप्त हो पाता? ये एक कठोर फैसला था, पर इसी ने इतिहास के पन्नों में एक नए युग की शुरुआत लिखी। इस वनवास के बाद जब वे लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इसी के बाद से इस दिन को दिवाली के त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। क्या आपको ये कारण पहले से पता था? अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपके आर्थिक योगदान की बहुत जरूरत है। आप हमें सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, उनका एक कमेंट भी बहुत मायने रखता है। हमारा 500 कमेंट्स का टारगेट अभी भी अधूरा है। आपका कमेंट ही हमारी जीत बन सकता है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।